हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जापनीज स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देख के मैं इसमें कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। इस रेमेडी के साथ साथ आप वो भी फॉलो करेंगे ना, आपका स्किन ग्लोइंग और हमेशा के लिए ब्राइटनिंग रहेगा। इस रेमेडी के लिए हमें लेना चाहिए मसूर दाल। आप देख सकते हो, ये मसूर दाल को फाइन पाउडर जैसा बना लेना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में रेडीमेड पाउडर भी मिलता है, लेकिन आप घर में बना लीजिए पाउडर को। इससे पाउडर अच्छी तरह बनाना है तो आप इस पाउडर को फाइन पेस्ट जैसा बनाना है। आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी मसूर दाल को फाइन पेस्ट जैसा बना चुकी हूँ। अभी इससे मैं आपको रेमेडी बना के दिखाऊंगी। एक क्लीन बाउल में हमें ऐड करना है 2 चम्मच मसूर दाल पाउडर। ये मसूर दाल को आप पाउडर को आप एक बार में 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो एयर टाइप का डब्बा में डाल के, क्योंकि एक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी आप इस पैक को बनाना है तो अच्छी तरह आप बना सकते हो। ये स्टोर करने से इसका सेल्फ लाइफ टाइम 1 मंथ तक रहता है। मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। ये अपने स्किन के ऊपर कालेपन को दूर करता है और स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। स्किन पे टैन को डस्ट को दूर करके स्किन को इवन करता है, इसलिए मैंने इसमें मसूर दाल ले चुकी हूँ। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है आलू का जूस। आप देख सकते हो आलू, मैं इसका जूस बना चुकी हूँ। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है आलू का जूस। आप इसमें वाटर ऐड मत कीजिए, सिर्फ आलू का जूस ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है हनी, क्योंकि हनी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। 2 से 3 ड्रॉप हनी ऐड कीजिए। ये अपना चेहरे के डार्क स्पॉट्स को ब्राउन स्पॉट्स को दूर करके चेहरे को क्लीन क्लियर और इवन कर देता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब ये पैक बन चुका है। इसको किस तरह अप्लाई करना है मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये पैक को चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है, अपना चेहरे को पूरा बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। आप जहाँ भी अप्लाई करें स्किन को क्लीनली वॉश करना चाहिए। इसके बाद अप्लाई करना है, अगर आप चेहरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो अंडर एरिया आंखों के नीचे एरिया छोड़ के ऑल ओवर फेस के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि अंडर एरिया थोड़ा सेंसिटिव रहता है। तो इसीलिए तो इस तरह फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इसमें आलू का जूस है, ये अपना डार्क स्पॉट्स को पिगमेंटेशन को झुर्रियों को हटाता है, साथ ही स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन को ब्राइटनिंग और टाइटनिंग करता है। ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसे हर दिन इस्तेमाल करोगे ना, इसे दिन ब दिन स्किन टाइट होगा, ब्राइटन होगा और स्पॉटलेस बन जाएगा। तो इस तरह अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश करें। इस ट्रीटमेंट को आप हर दिन कीजिए, हर दिन टाइम नहीं है तो जब भी आपको फ्री टाइम है उस तरह आप इस पैक को बना के यूज़ कर सकते हो। ये 100% रिजल्ट देता है और नो साइड इफ़ेक्ट्स, 100% सेफ है। इससे स्किन ब्राइटनिंग होगा, साथ ही स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होते रहेगा। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक